वॉलेट कारोबार को भेज सकती है पेटीएम, दौड़ में HDFC और जियो। HDFC और जियो इसको खरीद सकती है पेटीएम को। सौदे की खबर से जियो फाइनेंशियल का शेयर 14% उछला। विवादों में फंसी पेटीएम अपने वॉलेट कारोबार को बेचने पर विचार कर रही है। HDFC बैंक और मुकेश अंबानी की जियो फाइनेंशियल इसे खरीदने की दौड़ में शीर्ष पर हैं। वॉलेट कारोबार पेटीएम पेमेंट बैंक का हिस्सा है। RBI ने पेमेंट बैंक पर 29 फरवरी से जमा स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पेटीएम के वॉलेट कारोबार खरीदने की खबर के बाद जियो का शेयर सोमवार को 14% बढ़कर एक साल के उच्चतम स्तर 289 रुपये पर बंद हुआ है। दिन में यह 295 रुपये तक चला गया था। बैंकरों ने कहा है कि पेटीएम वर्ष 2022 से पहले की तरह अब इस कारोबार को तवज्जो नहीं दे रही है। अगर कंपनी का मूल्यांकन अच्छा होता है तो जियो के साथ यह सौदा पहले ही हो जाता। पेटीएम का ईडी जांच से इनकार। पेटीएम ने कहा है कि हम मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल नहीं हैं। ईडी ने न तो कंपनी और न ही पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है।